और भाई क्या हाल है, कैसे हो? बस बढ़िया भाई। कब आए बैंगलोर से? बैंगलोर से यार हो गए 10-12 दिन हो गए। कैसी रही भाई ट्रिप? ट्रिप बढ़िया थी, बहुत बहुत बढ़िया रही ट्रिप। एकदम से आए, मतलब कुछ प्लान नहीं था, बताया नहीं यार। आने का मतलब यही था, एकदम से ही आ गया, मेरा भी प्लान नहीं था। कैसा लगा बैंगलोर? बैंगलोर वाज गुड। और मेन बताओ कि हाउ वाज द रोड ट्रिप दिल्ली टू बैंगलोर? दिल्ली टू बैंगलोर भाई, पिछले 5 वीडियो देखे सारे पांचों पूरे? तो भाई ट्रिप बहुत बढ़िया रही मेरी तो, दिल्ली टू बैंगलोर जो मेन रहा। मतलब आप क्या जानना चाहते हो? जो मतलब जो मेरे तो बहुत सारे वैसे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं अभी 3 दिन में निकल रहा हूँ। अच्छा, मैं अभी बैंगलोर ही दिल्ली टू बैंगलोर दिल्ली टू बैंगलोर भाई, आपसे इंस्पायर्ड होके भी बहुत बढ़िया। देखो जो सबसे बड़ी मतलब डिटेल्स में तो 5 दिन में कवर हो गया है, डिटेल्स में तो हो गया है, मैं थोड़े शॉर्ट में क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले तो भाई बता दो कैसी रही भाई ओवरऑल ट्रिप, मतलब जो ओवरऑल ट्रिप कितने दिन की ट्रिप थी? ये मेरी टोटल 5 days की रही, और वो इसलिए रही क्योंकि मैं रास्ते में सब घूमता फिरता हुआ गया। अच्छा, आप मुंबई घूमा, मैं आज तक नहीं गया था उस साइड। मैं मुंबई घूम लिया, मैं गुजरात घूम लिया, बल्कि आप अब मेरे से मिल रहे हो। मैं दूसरी बार दिल्ली टू बैंगलोर टू दिल्ली कर चुका हूँ, दूसरी बार हो चुका है। हाँ, और फनी थिंग इज ये 3 महीनों के अंदर अंदर हो चुका, और मैं आज तक नहीं गया था मुंबई वगैरह, और अब 3 महीनों के अंदर अंदर बाय रोड 2 बार जा चुका। कितनी स्टेट्स कवर कर ली होंगे आपने इसमें? यार मेरी अराउंड 5-7 स्टेट्स हो गई थी, और 2-3 यूनियन टेरिटरीज भी हो गई आराम से इजीली। मैं बताता हूँ, दिल्ली से स्टार्ट करा था हमने, ठीक है, गुजरात आ गया रास्ते में, मुंबई आ गया, और आ गया अपना पुणे, जाते हुए अपना साउथ कर्नाटक आ गया, दमन एंड दीव की यूनियन टेरिटरी हो गई, गुजरात हमारी ट्राई स्टेट, राजस्थान पूरा क्रॉस हो जाता है। तो ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स ही सब कुछ कवर कर लिया हमने। सबसे मेरा मेन था मुंबई घूमना, गुजरात घूमना, सब कवर हो गया, हर जगह मैं रुकता हुआ गया हूँ। तो पहले एक मेन चीज होता है कि एक होता है ना कि भाई बंदा जा रहा है एक रोड ट्रिप पे, कुछ सोच के जाता है, हर कोई नहीं निकलता बिल्कुल इतने दिनों की रोड, इतने लंबा ट्रिप पे नहीं निकलता। तो एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब सराउंडिंग्स और सीन्स वैसे ऑन द वे कैसे थे? देखो अगर मैं अपने पहले की बात करूँ, एक सबसे अगर रूट की बात करें स्टार्टिंग से, तो आप मैप्स पर डालो दिल्ली टू बैंगलोर, पहले तो मैप से 1 मिनट लेता है लोड होने के लिए। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद वो रूट दिखाता है इंदौर से, या दूसरा एक और दिखाता है, बट एक भी रूट गुजरात से नहीं दिखाता। अच्छा, और वो मेरी किस्मत अच्छी है, कोई मेरे नोन थे वो बैंगलोर करते रहते हैं दिल्ली टू बैंगलोर, उन्होंने मेरे को एक सिंपल सी चीज कही थी, एमपी वाला रास्ता मत लियो बिल्कुल भी, गुजरात वाला लंबा पड़ता है, थोड़े घंटे ज्यादा, बस उसी से जाइयो। उन्होंने दिक्कतें बताई थी, स्ट्रेस बहुत है। अच्छा, काउ बीच में आ जाती है, एक्सीडेंट वगैरह बहुत होता है। मैंने कितने टाइम से हाईवे पर चला रहा हूँ, चला लूंगा, बट मेरे को गुजरात मुंबई घूमना था, तो मैंने कहा वो वाला रूट ले लेते हैं। तो मैं गया, मैप्स वगैरह दिखाता नहीं, मैंने मैप्स पे स्पेशली एड स्टॉप करा, पहले उदयपुर फिर गुजरात। अच्छा, ये वाला रूट पड़ता है, फिर मुंबई फिर पुणे। अच्छा, ऐसे मैंने एड स्टॉप कर करके खुद रूट बनाया ये वाला। तो अच्छा, ये आप बना के गए थे? हाँ। अच्छा, तो अगर किसी को भी जाना है दिल्ली टू बैंगलोर, तो मैं ये कहूंगा मैप्स गलती से भी फॉलो मत करना। और ये मैं बता रहा हूँ अपने दूसरे दिल्ली टू बैंगलोर के एक्सपीरियंस पे, क्योंकि तब मैं गया एमपी वाले रास्ते से उज्जैन वगैरह होते हुए। अच्छा, दो बार गए आप, दो अलग अलग रास्ते? हाँ, ऐसा तो दोनों के एक्सपीरियंस है। हाँ, और मैं इसलिए बेटर बता पाऊंगा। अच्छा, अभी तो गुड जज ऑफ डेट, मैं बेटर बता पाऊंगा। तो पहले तो मैं खैसुनी में गुजरात वाले से चला गया था, और मेरे को घूमना था, बट बाद में मैंने एमपी वाला सोचा था कितना ही बेकार हो सकता है, बट मैं गया, और एमपी वाला रास्ता लिटरली स्ट्रेस, मैंने अपने सामने लिटरली फ्लैट इतने अजगर है, सांप है, क्या है जो भी था, बट बड़ा स्नेक था वो, मेरे को रस्ते में दिखा है। और इतने झटके मेन हाईवे पर 80 पे मैं ओवरनाइट ड्राइव करता हूँ मोस्टली, जिससे डिस्टेंस अच्छा कवर हो जाए। अच्छा, ना स्टॉप्स होते ना कुछ होते। अच्छा, इसलिए आई प्रेफर ओवरनाइट ड्राइव हमेशा। तो मैं एक चीज बताता हूँ, मतलब अब हेडलाइट बहुत अच्छी लग रही है, बट कितना ही दिखा लेगी हाईवे पर, अब 80-90 पर होता है, और वो हाईवे ऐसा है उसमें कहीं भी रंबल स्ट्रिप के नाम पर 8-10 बड़े ब्रेकर है लाइन में, या बिल्कुल झटके हैं। अच्छा, तो रात को मतलब 80 पर इतनी बार तो मेरी कार उछली भी 1-2 बार, और स्ट्रेस एनिमल का इतना, वो दिन में भी चलाकर देख लिया, रात को भी। छोटी मोटी क्लिप्स आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगी, और अभी भी मैं दिल्ली टू गोवा गया था, ये जो मैं बैंगलोर पहुंच गया था, तो उसकी भी मैं अभी वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें भी आपको स्ट्रे एनिमल्स की हालत दिख जाएगी। तो एमपी वाला रूट तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, चाहे छोटा पड़े चाहे कुछ हो, बल्कि अब तो डीएमआईसी बनी जाएगा थोड़े टाइम में, तो अच्छा, तो सब दुनिया ही जाने लग जाएगी, तो कोई बड़ा इशू है नहीं। ठीक है। तो आपने कितने टाइम में ये पूरा, ये मेरा पूरी रनिंग कवर? देखो 5 days था, मैं आपको उसकी ब्रीफ आइटिनरी डिवीजन भी बता देता हूँ। मेरा पहले प्लान था रात को निकलने का, बट मेरे फ्रेंड के पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे।
अच्छा रात को ओवरनाइट ड्राइव नहीं करनी, हमें सिर्फ दिन दिन ड्राइव की परमिशन मिली थी। वो सब ठीक है फ्रेंड। लड़का था। अच्छा लड़का। मैं जा रहा था अपनी जॉब की वजह से, मेरी बेस लोकेशन बैंगलोर है, वर्क इन इंफोसिस, तो रिटर्न टू ऑफिस उन्होंने बुला लिया था बेस लोकेशन, तो मैं इसलिए जा रहा था। तो गोवा ब्रेकअप बता देता हूँ। हम निकले थे, मेरे को डेट एग्जैक्ट नहीं याद, मैं 10 या 11 होगी, हम निकले सुबह 7-8 बजे। मैंने दोस्त को रोहिणी से पिकअप करा, हमने पहले दिन अराउंड 800 से 1000 के किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस कवर करा, वो हमारा सबसे ज्यादा था क्योंकि ये पूरी बेल्ट हम घूम चुके थे तो कहीं रुके नहीं। तो हमने पहले रात स्टॉप लिया रात को अराउंड 10 बजे, रतनपुर पड़ते उदयपुर के आगे, वो दैट इज राजस्थान एंड गुजरात का बॉर्डर, पहला स्टॉप था। हाँ, सीधा 1000 किलोमीटर बाद 13-14 घंटे ड्राइव करके। अकेले आपने या मिलके? वैसे अगर पूरी ट्रिप की बात करें, नहीं नहीं, ये 1000 फर्स्ट इस वाले की, लास्ट के 100 किलोमीटर उसने चलाए थे क्योंकि उसको चलाने का मन कर रहा था, बाकी कोई टायर्डनेस नहीं थी। हाँ, क्या बात है, स्टैमिना तो अच्छा है आपका। तो मैं आपको बताता हूँ, पहला हमने स्टॉप लिया रतनपुर बॉर्डर पे, दैट इज अगर मैं दिखाता हूँ, जैसे ये गुजरात है मेरी एज, तो यहाँ पर हमारा होटल था और मैंने इस बॉर्डर से ऐसे यू टर्न ली थी, तो यहाँ पे हमने पहले रतनपुर पे स्टे लिया था, हमारे पहले दिन के हो गया था ये कवर, हम पहुंचे गुजरात बॉर्डर। सेकेंड दिन हमारा टारगेट था सूरत, गुजरात में एक जगह सूरत, वहां मेरी मासी रहते थे तो उनसे मिलकर हमारा टारगेट था रात तक दमन पहुंचकर वहां स्टे लेने का। हम पहुंचे सूरत और मासी के घर में दूसरी तीसरी बार गया हूँ, ऐसी स्टेज फार अवे, तो उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया, तो हमारा दूसरे दिन का बस सूरत तक का डिस्टेंस कवर हुआ और हमें ओवरनाइट वहीं हमने हॉल करा डिनर वगैरह करके। बट हमने उस दिन डोमस बीच और सूरत वगैरह बहुत बढ़िया घूमा था और फन आया था, हमने स्कूटी पर ट्रिपली पर सूरत घूमा, बहुत अच्छा फन था वो भी। क्या? और उसके बाद सुबह सुबह 7-7 बजे के आसपास हम निकल लिए, अगला स्टॉप था हमारा मुंबई, और हमारा प्लान था मुंबई रुक के वो जुहू बीच वगैरह देख के, जो बेसिक चीज है, फिर आगे वहां निकलने का पुणे, पुणे में हम स्टे ले लेते, ये हमारा प्लान था। अच्छा, तो हम पहुंचे मुंबई, हम एक दोस्त से मिले, मेरा भाई रहता है उससे भी मिले, दोनों से मिल लिए, जुहू बीच वगैरह घूम लिया, हम मुंबई से निकल रहे पुणे के लिए रात को 8 बजे राउंड। अब मेरे को रोड वगैरह याद नहीं, एक रोड पर हम फंसे, आधे घंटे से गाड़ी चली ही नहीं, एक ही जगह, इतना ट्रैफिक मुंबई में, हालत बुरी भाई, इतनी सी जगह मिली, हमने रिवर्स लेके यू टर्न लिया, दोस्त को वापस फोन करा, वापस उससे मिले, खाया पिया, उसके फ्लैट जाकर सो गए कि हम कहीं नहीं जा सकते, हमारा अगला स्टे भी हो गया मुंबई में। अच्छा, अब हमारा तीसरा दिन हो चुका शायद, 1, 2, 3, हाँ तीसरा दिन हो गया। फिर हम मुंबई से सुबह सुबह फिर निकले, अब हमारा प्लान था तो ड्रैग कर्नाटक रुकेंगे। मैं कर भी रहा था, बट हुआ क्या, रास्ते में मुंबई के बाद एक आता है कोल्हापुर। अच्छा, महाराष्ट्र में ही, ठीक है। तो कोल्हापुर हम पहुंचे शाम तक रुक रुक आकर, वहां तक का स्ट्रेस थोड़ा बेकार है, मुंबई तक रोड्स वर गुड, बाकी रोड की डिटेल्स आपको मिल जाएगी, मैं इतनी डिटेल में जा नहीं रहा, आप अपने सारे वीडियोस देख सकते हो, उसमें सब डिटेल्स में कवर्ड है। तो उसके बाद कोल्हापुर हम रुके, कोल्हापुर में ऐसी शाम को रुके, रात को वहां भी रात को 11-12 बजे पहुंचे, रुके, स्टे लिया, सुबह 6 बजे उठकर वहाँ महालक्ष्मी टेम्पल है, बहुत फेमस, कोल्हापुर में बहुत माना जाता है, हम सुबह सुबह 5 बजे उठकर नहा धोकर वहाँ गए, लाइन में लगे 3-4 घंटे में हमारे दर्शन हो गए, भगवान का नाम लेकर हम आगे निकल लिए। क्या बात। तो कोल्हापुर के बाद हम फिर गए सीधा, फिर वहाँ से अब हमने करा नॉन स्टॉप कोल्हापुर टू बैंगलोर, फिर हम कोल्हापुर से सुबह निकले, मेरे को किलोमीटर एग्जैक्टली याद नहीं, बट कोल्हापुर से हम सुबह निकले थे और रात को 9:15 बजे मैंने इन्फोसिस ऑफिस के बाहर गाड़ी लगा दी थी एग्जैक्ट, ये मेरे को याद है, मुंबई टू मतलब कोल्हापुर टू बैंगलोर। और आप एक ड्राइविंग स्टेमिना की बात कर रहे थे, मेरे को एक और चीज याद है, जैसे अभी मैंने कहा ना गोवा वाली ट्रिप, तो व्हाट वी डिड इज वापस आते हुए वी डिड बैंगलोर टू दिल्ली इन कार इन द सेम टाइम एज ट्रेन टेक्स, ट्रेन टेक्स अराउंड 48 or 50 hours इजीली। सो व्हाट वी डिड वाज, मेरा आते हुए जो स्ट्रेच रहा था, हमने फिर वापस एमपी वाले रास्ते से, तो मैं गया था मैंने आपको जैसे बताया था, बहुत रिग्रेट करा। वापस आते हुए हमने रूट लिया बैंगलोर से, हम निकले शाम को 4 बजे के अराउंड, ठीक है। अगले दिन 3 बजे तक लगातार गाड़ी चलाई, पहला स्टॉप लिया सूरत, वही मासी के घर फिर से। अच्छा, मासी के घर ओवरनाइट स्टे करा, सुबह 6 बजे निकले सूरत से, सूरत टू दिल्ली रुकी गाड़ी सीधा डायरेक्ट, और बैंगलोर टू सूरत, बैंगलोर टू सूरत रुके, सिर्फ एक रात रुके थे, वो भी इसलिए क्योंकि मासी के घर जाना जरूरी था, वरना हम सीधा आ जाते। हम तब दो ड्राइवर थे, दोनों ने ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल चलाई। क्या बात है। क्या तो एक यार, एक कैसे हाँ अच्छा, पहले तो मेरे को ये बताओ सच सच
कि मैक्सिमम स्पीड क्या भगाई होगी बलिनो आपने? मैक्सिमम मैं बताता हूँ, मेरी पूरी ट्रिप पर एवरेज रही होगी 80 to 90. अच्छा, और मैक्सिमम जो मैंने 80 to 90, हाँ एवरेज. अच्छा ठीक है, और मैक्सिमम जो मैंने भगाई थी हार्डली फॉर 3-4 minutes. 3-4 minutes हार्डली, वो जो हमारा मुंबई एक्सप्रेस वे नया खुला है दौसा तक, जयपुर तक दौसा जगह पड़ती है, तब बस एक बार मैंने भगाई थी 160 या 150, 2-3 मिनट तक वो चलाई थी. तो खाली रहता तो हाँ, थोड़ा यार हम थोड़ी इकोनॉमिकल ट्रिप पे थे. अच्छा, पेट्रोल बहुत ज्यादा लग जाता. कितना लगा पेट्रोल का? हमारी अगर मैं टोटल कॉस्टिंग बात करूं, पेट्रोल हमारा लग गया अराउंड 35,000 के आसपास बलिनो का. ओवरऑल अगर ट्रिप पर 2700 किलोमीटर के आसपास थी, ओवरऑल एवरेज देखिए बलिनो ने अराउंड 19 के एमपीएल दी थी मेरी पेट्रोल बलिनो में 2018 मॉडल. नहीं तो काफी सही है. हाँ, 19 की एवरेज पेट्रोल में दे दी उसने विदेशी. विदेशी हाँ, पूरी ट्रिप का बता रहे 30? हाँ पूरी ट्रिप का एवरेज, मतलब हर बार कभी 19.3 आ रही थी, कभी 19.7, कभी 18.9, कभी 20. तो मतलब ओवरऑल जब सारे नंबर कैलकुलेट करे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल फ्यूल, ये एवरेज जो लिखी आती है वो नहीं बता रहा मैं, फ्यूल टू फ्यूल टैंक मैटर से कैलकुलेटेड है प्रॉपर. तो 19.5 या मतलब 19 से 20 के बीच में एवरेज दिया. और जो मेरे बाकी एक्सपेंस लगे थे, होटल्स वगैरह फूड वगैरह मैंने इतना कैलकुलेट नहीं करा, बट फ्यूल मेरा अराउंड लग गया था, सॉरी फ्यूल नहीं, ये मेरा टोटल एक्सपेंस है 35,000, फ्यूल मेरा लगा था अराउंड 15,000 ओनली. हाँ फ्यूल 15,000 लगा, टोल्स हमारे लगे 4,000 के, 19,000 हमारा गाड़ी का खर्चा हो गया. हाँ ठीक है, और टोटल हमारा 35 है, तो 19 में से आप 35 माइनस कर लो, 35 में से 19 हाँ, तो कितने हो गए 16 हाँ 16,000 के आसपास हमारा बाकी फ्यूल खाना, मतलब फ्यूल नहीं खाना रहना पीना ये सब 16,000 का. वो टोटल हम दिल्ली टू बैंगलोर अपनी कार में सब मिलाकर 35,000 में पहुंच गए थे. सही है ऐसे काफी. हाँ तो दो जने थे, 17,500 पर पर्सन कॉस्ट पड़ी. हाँ? जो रास्ते में हमने सारी जगह घूमी सब कुछ करा, बट इसमें मेरे दो चार स्टे फ्री थे, मुंबई में दोस्त के साथ स्टे फ्री, गुजरात में स्टे फ्री, तो वो सब. हाँ ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब 5 states तो घूम ली, 5 states का अपना एक मतलब स्पेशल फूड होगा जो, और कुछ आप प्लान करके भी गए कि अब मैं 5 जा रहा हूँ तो लेके खा के आऊंगा. उसके लिए मैं पहले एक बार सबको अपना एक बार एग्जैक्ट रूट बता देता हूँ. हम दिल्ली से निकले जयपुर एक्सप्रेसवे से, जयपुर से हम उदयपुर, उदयपुर से रतनपुर, धन स्टे लिया, फिर वडोदरा, फिर सूरत, फिर दमन, देन कोल्हापुर, देन नहीं दमन के बाद मुंबई पुणे, देन कोल्हापुर, देन सीधा बैंगलोर. ये सब हमने रास्ते में 10 stops है. हाँ स्टॉप्स नहीं, स्टॉप नहीं है, जो जो जगह आए हैं स्टॉप्स तो हमने कम लिए थे. हाँ तो जयपुर तो सारा घुमा हुआ था, तो पहले दिन जैसा मैंने बताया रतनपुर तक हमने कुछ नहीं घूमा, डायरेक्ट नॉन स्टॉप कार. उदयपुर भी रास्ते में था, तो शायद ही अभी इंडिया में किसी ने इतने मतलब एक रोड ट्रिप में इतने की प्लेसेस देखी होंगी. अब ये मैं क्योंकि दिल्ली टू बैंगलोर की और भी वीडियोस हैं, बट उस रूट से जाना शायद जाना जल्दी प्रेफर करते हैं, और सब जाते एमपी वाले से, गुजरात से कम जाते हैं, और इसका पता नहीं, बट बैंगलोर टू दिल्ली टू इतनी जल्दी मेरे हिसाब से किसी ने नहीं करा होगा विद वन स्टॉप ओनली, उतना तो आई कैन से. तो अब जयपुर तो मैंने सारा देखा था, उदयपुर तो रतनपुर तक तो हमने कुछ नहीं देखा. तो अगले दिन भी हमने गुजरात में सीधा एक दो जगह, एक रस्ते में नर्मदा रिवर है कोई आई थी, बहुत अच्छी रिवर थी, मेरे को एकदम से ब्रिज क्रॉस कर रहा था हाईवे पर ही मेरे को देखी, मैंने यू टर्न लेकर वहीं गाड़ी लगा ली उल्टी लेन में लेकर. अच्छा, एक घंटा स्पेंड कर हमने आराम से, बर्ड्स आ रही थी सब कुछ था, उसकी थोड़ी बहुत क्लिप्स डाल दूंगा, बहुत पीसफुल था वो भी. उसके बाद रुके हम सीधा सूरत, मतलब हम जल्दी में नहीं गए बैंगलोर, हमें पहुंचना 4 दिन में था, हमने एक दिन लेट ही पहुंचे बट अच्छे से घूमा, ये नहीं कि एक दो दिन के चक्कर में इतनी अच्छी रोड ट्रिप घूमना. सही बात है. तो हमने वहां कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ 1 घंटा बैठे रहे वहां नदी के कोने पर. तो ऐसे चला, फिर हम सूरत पहुंचे, सूरत शाम को पहुंच कर हमने उठाई स्कूटी. सूरत की एक और फनी बात, वहां पे हेलमेट वगैरह का कोई रूल ही नहीं है. आप यहाँ पर नहीं रूल है, मतलब कुछ है नहीं सीन. उबर ऑटो आप यहाँ उबर मोटो या वो रैपिडो मंगाते हो, वो हेलमेट पहन कर आता है, आपके लिए हेलमेट लाते हैं. वहां पे भाई दो भाई, मेरा छोटा भाई है, वो कह जा रहा एयरपोर्ट के आगे से, सूरत एयरपोर्ट के आगे से ट्रिपली पर चलो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही स्कूटी पर. भाई हमारी थोड़ी लग रही है, हम तो दिल्ली वाले हैं, हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, यहाँ तो भाग जाती चलाने बिना हेलमेट के ट्रिपली, तो छोड़ो भाई. ठीक है, हमने फिर भी मंगा ली, वो मना करे जा रहा. भाई ओला ऑटो मोटो वाला आया, ओला बाइक वाला, बिना हेलमेट के एवेंजर पर, ना हेलमेट लाया ना खुद हेलमेट पहन रखा एवेंजर पे मोटो वाला. क्या भाई,
चले फिर एक को उस पर बैठाया, वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी उसमें, तो चला रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर भी बिना हेलमेट के चल रहे हैं, पूरी मेन रोड है सब कुछ है, मैं ब्लॉग शूट करता है चला रहा हूँ, एक हाथ से स्कूटी चला रहा हूँ एक हाथ से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ना हेलमेट है ना कुछ है, पीछे से मैं अपने कैमरे में देखता हूँ फ्रंट कैमरे से ब्लॉग शूट हो रहा है, ये तो पीसीआर की लाइट है, मैं देख रहा हूँ पीछे से पीसीआर आ रही है, मैंने कहा अब तो गए, तो आप भी आपके पीछे ही थी क्या? नहीं मैं भाई फोन नीचे रख दिया कैमरा देखती, पीसीआर साइड से चली गई, तो बहुत चिल शहर है। फिर हम वहां से जा रहे थे डूमस बीच घूमने, वो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड बीच माना जाता है, हॉन्टेड बीच, हाँ स्टोरी वगैरह थी वो भी सब वीडियो में मिल जाएगी, तो वहां से हम आए घूमे, फिर वापस हमने कब तो हम चल सीन है ट्रिपल पर आएंगे, फिर भाई वहां से लेकर 20-25 मिनट का रास्ता होगा, 7-8 किलोमीटर, पूरा हाईवे पूरा एयरपोर्ट पूरी चेक पोस्ट ट्रिपल पर आए, कोई दिक्कत ही नहीं। और सूरत में एक बहुत अच्छी चीज मिलती है, वो मिलती है कुल्फी, वो सॉरी चुस्की की डिश, आपने दिल्ली में नॉर्मल चुस्की खाई होगी, बर्फ की मंगा खाता हूँ, वहाँ चुस्की की मिलती है डिश बहुत अच्छी, वो मैंने शायद फोटो डाली हुई थी चुस्की की डिश, हाँ पेट भर देगी लिटरली आपका, उसमें कभी फलूदा डाल दिया, बहुत सारे चौको डिश सब कुछ, बहुत अलग अलग फ्लेवर, वहाँ की स्पेशलिटी बहुत अच्छी थी वो खाई, वो अगर कोई सूरत जाए मस्ट रिकमेंड है, हो सकता है गुजरात में और जगह भी मिलती है। और उसके बाद हमने अगले दिन जब सूरत से निकले थे अहमदाबाद वगैरह में कहीं रुके थे, एक ढाबे पर रुके, सबने सुना होगा वहाँ का खाना मीठा होता है, भाई मैं तारक मेहता का फैन, भाई मेरे को खाना था जलेबी फाफड़ा, मैं ढाबे पे रुका, सबसे बड़ा ढाबा जो दिख रहा, भाई जलेबी ले ली फाफड़ा ले लिया, 3-4 बढ़िया बढ़िया डिश ले ली, भाई जलेबी खाई 10 किलो चीनी उसमें, फाफड़ा खाया उसमें 10 किलो चीनी, नमकीन चीज खरीदी वो मीठा भाई लिटरली एक एक बाइट खाकर खाना फेंकना पड़े, इतना मीठा था, इतना मीठा लोग खाते हैं भाई गुजरात में, जो आपने अलग से स्टैंड आउट पूछा गुजरात। तो उसके बाद तो फिर नॉर्मल था कोल्हापुर तक, थोड़ा एक जगह हमने कहीं बेकार सी जगह थी वहां तक, मतलब स्टॉप्स नहीं है कोल्हापुर तक अच्छे खाने पीने का कुछ भी, और रोड भी बेकार है, एक जगह रुके थे वहां की ऐसी गंदी हालत, लैंग्वेज बैरियर स्टार्ट हो चुका था हमारा, कहीं मराठी चल रही है कहीं साउथ इंडियन की लैंग्वेज चल रही है कन्नड़ा ये वो, तो भाई साउंड बैरियर स्टार्ट हो चुका था भाई, एक जगह जैसे तैसे रुके, इतनी देर बाद खाना मिला, बेकार सी जगह है, मतलब थोड़ा ऐसा सा है, तो हमें ये लग रहा था मतलब जगह मिली बट थोड़ा एम्बियंस उसका अच्छा सा नहीं था, नीटनेस वगैरह नहीं थी बट जगह अच्छी बनी हुई थी, हमने कहा भाई एक बार टेस्ट कर लेते इतनी भीड़ हो सकता अच्छा हो, भाई उसने दी इतनी बड़ी एक नान, नान हाँ एक नान उसकी इतनी बड़ी और साथ में एक दाल एक, भाई खाना एक नंबर टेस्टी, बस वेटिंग टाइम आधा पौना घंटा लगा था और थोड़ी सर्विस अच्छी होती, बहुत बढ़िया जगह कोल्हापुर में, कोल्हापुर के रास्ते में था। अच्छा रात कोल्हापुर में रुके, वहाँ कोई स्टे नहीं लिया, फिर कोल्हापुर टू मुंबई ऐसी बीच बीच में कवर करके चल दिए, मुंबई का कुछ ऐसा स्पेशल नहीं आया, मुंबई में वड़ा पाव खाया था बस, वड़ा पाव तो और अभी जब दूसरी बार गया था ना मुंजी के पास वड़ा पाव मिलता है वो बहुत टेस्टी है, रात को 11:30 मतलब आपने दिल्ली के भी खाए हुए हैं, उससे बहुत बढ़िया बढ़िया होते हैं, मतलब जू के बाहर वाला वो ओके ओके उससे बेटर है फाइट फिंगर लिकर्स वाला, तेरे को पता है फिंगर लिकर्स, हां फिंगर लिकर्स हां वो आई फाउंड बेटर, बट बाद में जो नरसिंह मुंजी का वहां खाया था वो भाई क्लासी, रात को 11:30-12 बजे खाया था फन आ गया था। तो आप किसी बीच बीच में नहीं बैठे जैसे मूवी सीन्स में देखते हैं कि रात को 2-3 दोस्त अभी आएंगे इसके क्वेश्चन पे आते हैं, पर ऐसे बीच में बैठ के मैं बताता हूं, पहली बार तो जब मैं गया था लाइफ को थोड़ा दिल्ली टू बैंगलोर पहली बार तो हम बस वहां रुके थे, वहां पर जुहू घूमा था बस, वो जाम वाला मैंने आपको सीन बता दिया, अभी जब दूसरी बार गया मैं गोवा होते हुए बैंगलोर तब हमने क्या करा था, तब हम मुंबई एक रात और रुके, तब हमने जुहू देखा, मरीन ड्राइव देखा, मन्नत देखा, अंबानी का अंबानी की बेटी का कैमरा देखा, हाँ भाई साउथ बॉम्बे का भाई मैं कसम से ये पहली बार भी मेरे को इतना जाम मिला, जब मैंने आपको बताया आधे घंटे गाड़ी खड़ी रही, दूसरी बार मुंबई गया तब ऐसी हालत, मैं लिटरली इतने पैसे करके लोग क्या करेंगे जब गाड़ी ही नहीं चल पा रही लिटरली भाई, रुकी हुई है 5 किलोमीटर कवर करने में मेरे को 1 घंटा लगा साउथ बॉम्बे में, मैंने वो सीलिंग क्रॉस करा उसके बाद से जाम स्टार्ट, लिटरली हमने चलती गाड़ी में 10-10 मिनट में जगह बदले जा रहे थे चलती रोड पर, इतनी इतना ज्यादा ट्रैफिक, मतलब मेरे को समझ नहीं आया क्या करेंगे लोग इतने पैसों का क्या कर रहे, जब लिटरली सड़क ही नहीं है चलने के लिए। तो उस दिन हमने मरीन ड्राइव वगैरह सब देखा, उस दिन मैंने वो भी देखा ताज होटल 2611 वाला और वो भी गेटवे ऑफ इंडिया, अच्छा वो सब ये मैंने सेकंड टाइम मुंबई में घूमा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी से निकल के आता है कि अब भाई लीगर वीकर अगर ले जानी हो तो क्या लीगैलिटीज वगैरह रहती हैं,
और फिर ड्राई स्टेट में आप जा रहे होते हुए जाओगे। अब इसका मैं आपको अपने दो एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक तो ट्रिप हो गई मेरी इन्फोसिस वाली, उसमें तो हमने कुछ करा नहीं था, ना हम ड्रिंक करते ना कैरी का कुछ था हमारा। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, गुजरात एंटर होते ही आपको वीडियो में भी दिख जाएगा एक जगह है, और ये मैं बता रहा हूँ वहाँ हमेशा गाड़ी रुकेगी आपकी डीएल नंबर है तो हमेशा, क्योंकि ये वापस आते हुए मेरी वहाँ रुकी और मेरा बहुत गंदा सीन हुआ है। अच्छा, तो मैं बताता हूँ, जाते हुए गाड़ी रुकी, उन्होंने आराम से तसल्ली बख्श चेक करा, उन्होंने कहा रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं। मैंने चुपके से, मेरी गाड़ी में डुअल डैश कैम है, मैंने पीछे से चुपके से डिग्गी खोली कि आ जाओ चेक कर लो, उन्हें जबरदस्ती बुलाते हैं। मैंने अंदर वाला डैश कैम यूं पलट दिया पीछे वाला कि सब रिकॉर्ड होते रहे, मैंने डिग्गी बंद कर दी। ओ भाई, तो भाई स्मार्ट भाई, चेकिंग वगैरह सब होती रही, कुछ नहीं मिला, उन्होंने कहा जाओ, और कोई इशू नहीं आया मेरे को लिकर का। और आप लेके गए थे वैसे? नहीं, कुछ था ही नहीं। अच्छा, लेके जाते टाइम नहीं, ठीक है। और वापसी में? और वापसी का तो कुछ नहीं था। और मैं आपको एक और बताता हूँ गोवा वाला सीन क्या हुआ था। जब मैं गोवा से जा रहा था, गोवा से मैं गया हूँ आगे गोकर्णा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं, हाँ, गोवा से मैं गोकर्णा भी गया, कर्नाटक बॉर्डर आ गया रास्ते में। एंड कर्नाटका में, गोवा में जो लेकर इज फॉर 2000, कर्नाटका में इज फॉर 6000, ठीक है। तो गोकर्णा में माय फ्रेंड्स आर आल्सो कमिंग, इन्फोसिस के जो बैंगलोर में है। अच्छा, सो दे ऑर्डर सम लेकर फॉर देमसेल्फ, तो मैंने कहा गोवा से मैं ले आऊंगा, कोई इशू नहीं है। एंड जो लेकर स्टोर वाले ने था, उसने कहा ये परमिट है, परमिट बन जाता, आप ये परमिट दिखाकर जा सकते हो। अच्छा, लेकर क्रॉस कर सकते हो। अब उन्होंने कहा वो लोकेशन लिखते हैं ओडिशा या समथिंग, मतलब उन्होंने कर्नाटक नहीं लिखी परमिट पे। तो मैंने उन्हें बोला भी, उन्होंने कहा नहीं वो ओडिशा का ही बनता है क्योंकि यहीं से रास्ता जाता है। तो भाई चेक पोस्ट आई, उन्होंने रोका चेक पोस्ट पर, कर्नाटक का बॉर्डर आती, उन्होंने कहा लिखा है, हमने कहा जी बिल्कुल है, हमने कहा परमिट भी है, उन्होंने परमिट देखा, कह रहे इसमें तो ओडिशा लिखा है, कर्नाटक में अलाउड नहीं है, ये ओडिशा लेके जाओ ये वो, नहीं तो अब गाड़ी जब्त होगी, ये होगा, ये होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तब तो हमने बाबू रिश्वत वगैरह मांगी, उन्होंने हमने बात वगैरह करी थोड़ी, फिर स्टाफ से भी है तो स्टाफ वगैरह का दिखाया, तो उन्होंने वैसे ही जाने दिया, थोड़े बहुत पैसे ऊपर लिए, मतलब जो हर बॉटल पे वो 2-3000 ऊपर बोल रहे थे। अच्छा, तो वो मुश्किल से मान गए, थोड़ा सही हो गया स्टाफ वगैरह का करवा कर, ठीक है। तो उससे मेरे को दो चीज़ें पता चली, मतलब जो मैं अभी भी अज्यूम करता हूँ कि परमिट से अलाउड तो है, बट मेरे हिसाब से लिकर स्टोर और पुलिस वालों की होगी सेटिंग, वो जानबूझ के उड़ीसा का बनाता होगा जिससे पुलिस वालों को एक लूपहोल मिला रहे, जो मेरे को ये चीज लगी। इससे उनको क्या फायदा? किसको? लिकर वालों को कट जाता होगा। अच्छा, कट जाता। सिस्टम वर्क्स, जो ये मेरी अजम्पशन है, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को ये कहा कि आगे कोई भी रोके बोल देना लिकर नहीं है और परमिट अपना मत दिखाना किसी को, उन्होंने मेरे को ये चीज बोली जाते जाते पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने बोली? तो मेरे हिसाब से दिस इज अ सिस्टम दैट दे आर फॉलोइंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि एडजॉइनिंग बॉर्डर से गोवा एंड कर्नाटक के, तो ये बहुत गुड पॉइंट है गाइस, ये मेरा ही अजम्पशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना ये। तो लेकर कोई भी कैरी मत करना, और करो तो ये अगर कोई रिस्क ले सकता है तो मेरे को फिर बता भी देना, जिसने लिया हो ठेके वाले को बोलना ओडिशा नहीं कर्नाटक ही लिख नीचे, तो उसके बाद मेरे को बता भी देना कि ये सक्सेसफुल होता है या नहीं, ये अभी मेरा अजम्पशन है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हां जी, ठीक है। तो लीगल प्रॉब्लम से फिर और प्रॉब्लम्स निकलती हैं आपकी, इंटर स्टेट बिल्कुल, डीएल नंबर प्रॉब्लम्स बिल्कुल, पहले उससे बता दो फिर क्या। देखो डीएल नंबर सिंपल सी चीज है, अगर दो चंडीगढ़ वगैरह घूमने जाते हैं, हिमाचल घूमने जाते हैं, उसने देखा होगा डीएल नंबर हर जगह रुकता है। हाँ, ठीक है, चंडीगढ़ तो रुकता ही है। हाँ, तो यही मतलब मेरी जाते हुए कहीं इशू नहीं हुआ, एक बस गुजरात में रुकी थी मेरी चेकिंग के लिए, उसके बाद मैंने 3 महीने बैंगलोर में भी कार चलाई है, कुछ इशू नहीं हुआ आज तक मेरे को, ठीक है। बट अभी दूसरे गोवा वाली ट्रिप पर आते हुए मैं बताता हूँ इशू जो मेरा, मतलब पुलिस वालों के साथ, मतलब मैं गुजरात फिर से ना जाऊँ, इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा, हाँ, तो मेरे साथ क्या हुआ था, बेसबॉल बैट पड़े रहा था, आप इतनी 8 दिन की नॉर्थ टू साउथ इंडिया कर रहा हूँ, आपको सेफ्टी के लिए कुछ चाहिए, मेरे पास पेपर्स फ्री भी रखा था, सेफ्टी के लिए चीजें चाहिए आपको, इतनी लंबी रोड ट्रिप कर रहे हो, 10 दिन तक घर से बाहर हो, अनजान शहर, ना लैंग्वेज, सब कुछ ठीक है, चाहिए सेफ्टी, पेपर्स फ्री भी था उस टाइम, चल रहा था अभी ये अहमदाबाद में, वही जो मैं बता रहा हूँ जहाँ बलिनो रुकी थी। हाँ, मैंने एक वीडियो देखी थी। हाँ, तो उसके अपोजिट साइड दिल्ली आते हुए रास्ते में हमारी ब्रेजा रुकी गोवा से आते हुए, सेम जगह। अच्छा, डीएल नंबर गुजरात में। अच्छा, ठीक है भाई, लिकर वगैरह मिली नहीं, इससे पहले हमारी 3-4 बार चेकिंग हो चुकी थी गुजरात में, जहाँ भी डीएल नंबर लिखती है आप रेडी रहो, पुलिस वाले आपको हाथ देंगे, गाड़ी चेक करेंगे, चाहे आपको 10 बार करनी पड़े चाहे 20 बार करवानी पड़े, आपको गाड़ी चेक करवानी पड़ेगी, ठीक है भाई। वहां रोका हुआ क्या, बेसबॉल बैट पड़ा हुआ था, लिकर तो मिली नहीं, उन्हें चाहिए पैसे, भाई उन्होंने बेसबॉल बैट उठा लिया कि ये आजकल खालिस्तानियों ने, उस टाइम धमकी दे रखी थी, ये खालिस्तानियों ने धमकी दे रखी है। मैंने कहा मैं बनिया हूँ, ये जाट है, ये बनिया है, जैन आदमी है क्या खालिस्तानी, ठीक है। वो कह रहे नहीं कोई नहीं, वो भाई ले गए बैट उठाकर,
उसके बाद हमें गुजराती में सर्कुलर दिखाया। किसने? गुजराती में सर्कुलर दिखा रहे। अच्छा, कि ये सब अलाउड नहीं है, ये इलीगल वेपन में आता है, आप पे आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट लगाकर आप जेल में जाओगे, आपकी गाड़ी जब्त होगी। अच्छा, दिस इज व्हाट दे डिड टू अस टूरिस्ट, जो हम 10 दिन से रोड पर है, अभी तक कोई इशू फेस नहीं करा किसी पुलिस के साथ, गुजरात पुलिस ये कर रही है हमारे साथ। और एक और फनी इंसिडेंट, मतलब फनी क्या, दया आती है इस देश पर। पाकिस्तान मत चले जाओ ये मत कहना पाकिस्तान जाने के लिए, बट बताता हूँ ऑनेस्टली हुआ क्या था। ठीक है, आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट आप पर लगेगा, गुजराती में कह रहे हैं। हमने कहा ट्रांसलेट तो करके बता दो, हमें पढ़ना थोड़ी ना आती है गुजराती। कह रहे मैं कुछ नहीं कर रहा, अपना आप कर लो। देन वी यूज गूगल ट्रांसलेटर उसे ट्रांसलेट करने में, हमें भूल गया उसे डोडा या कुछ बोलते हैं, डंडे को, मतलब बेसिकली डंडा लिखा हुआ था उस सर्कुलर में। हमने कहा ये तो डंडा नहीं है, बेसबॉल बैट है। ठीक है, कह रहे हमें पता है कोई बेसबॉल नहीं खेलता ये, इसके तुमने सर फोड़ने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, मैंने कहा सर फोड़ने के लिए, सर ये ईट रखी इससे हम सर फोड़ सकते हैं कुछ हो तो। हाँ। गाड़ी में पाना रखे, जैक रखे, इससे बहुत भारी अच्छा अच्छा हाँ। सर फूटेगा बहुत हाँ। बेटर। कह रहे कोई आर्ग्यू मत करो, ये चिल्लाने लग गए। और कोई भी कांस्टेबल से ऊपर नहीं था, किसी के भी स्टार नहीं था, मतलब मेरे हिसाब उनके पास तो इतनी पावर भी नहीं होगी। ठीक अच्छा। है, तो भाई चिल्ला रहे हैं ये वो, हम तमीज से बात कर रहे हैं उनसे। उन्होंने ले लिया हमारे फोन, कि ना फोन कर सकते ना कुछ। ठीक है, उसके बाद वो लोकल से पूछवा रहे हैं कि डंडा, ये डंडे बेसबॉल। हमने मैंने उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्रिकेट हमारे यहाँ फेमस है? मैंने कहा क्रिकेट बैट होता तो बोलते, कह रहे नहीं। मैंने कहा हॉकी स्टिक होती तो बोलते, कह रहे बिल्कुल। मैंने कहा आपको पता है हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है इंडिया का? हैं, कह रहे वो अगल आ गए। क्या बोले तो फंस गए, फिर वही चिल्लाने लग गए, वो गाड़ी तो जब्त होगी, सब होगा ये वो। फिर जो थे उनमें से एक दोस्त के पापा स्टाफ में ही है दिल्ली पुलिस, तो हमने बात वगैरह करवाई, तब जाकर वो पैसे लेने के लिए थोड़ा बहुत माने। उन्होंने 10,000 से स्टार्ट करा। 10,000? अच्छा। और उसके बाद जो बात चली वो जैसे तैसे अराउंड 2-4K के अंदर माने। अच्छा। और बैट अब उन्हीं के पास है, जो मेरा 10-12 साल से मेरे पास बैट था इतना अच्छा, जो मेरे को अच्छा, पसंद था वो भी नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, एंड द फनी सीन्स बिगिन आफ्टर दैट। भाई हम वहां से निकले जैसे तैसे, जान बचा कर ही लगा लो, जैसे हमारी अंदर हालत कर दी थी उन्होंने एक पुलिस के रूम में ले जाकर। चौकी थी, मतलब हाँ, चौकी पुल के नीचे चौकी बनी हुई थी। अच्छा। वहीं पर जो थोड़े बहुत कंट्रोल रूम टाइप बने हुए होते हैं उसके अंदर हुआ ये सब, ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल रूम था। तो उसके बाद हुआ भाई, हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के नंबर निकाले, हमने फोन करा, फोन उठा लिया लकीली। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप कहाँ पर हो? हमने कब तो हम निकल चुके। कह रहे सर वहाँ होते तो फोन करते ना, हम आते आपको सोल्यूशन कराते। मैंने कहा सर उन्होंने पहली बात हमारे फोन ले लिए थे, दूसरी बात मैं पुलिस वालों के बीच में ही इनसे फील कर रहा हूँ, तो मैं और पुलिस वालों को क्यों बुलाऊंगा? सिंपल सी बात है, आप आकर अलग पैसे मांगोगे, वो तो आप भी पुलिस वाले, मतलब कुछ भी कह लो। मैंने कहा पुलिस वालों से इनसेफ कर, कह रहे इनसेफ फील कर रहे तो बताते। मैंने कहा सर जिनसे इनसेफ फील कर रहा हूँ खुद पुलिस वाले, मैं औरों को क्यों बुलाऊंगा और पुलिस वालों को? कह रहे वहाँ फोन करते। मैंने कहा सर वहाँ वो मेरे से रिश्वत मांग रहे, वो बिना पैसे दिए फोन ही नहीं दे रहे, मेरे को जाने नहीं दे रहे, मैं कैसे फोन करूँ? कॉमन सेंस वाली बात है। वो कह रहे अब हम कुछ कर ही नहीं सकते, आपको तब फोन करना था पैसे लेते हुए। मैंने कहा आपकी हेल्पलाइन किस काम की? कह रहे सर अब तो यही है, जीरो रिस्पॉन्स। ठीक है, कुछ हेल्प नहीं हुई। वहाँ के थाने पर फोन करा, थाने इंचार्ज पर फोन करा, मतलब जो SBI के लंच बॉक्स वाले मीम आते हैं ना, इस काउंटर से इस काउंटर। मैंने अभी, मेरे पास वीडियो है, मैं अभी डालूंगा, आप देखना कितने कॉल करे थे मैंने, 20 कॉल करे हैं, एक भी जगह से ना ढंग का रिस्पॉन्स आया। आप यहाँ फोन करो, आप इसको फोन करो, आप इसको फोन करो। एक लास्ट में थोड़ा ढंग का कंप्लेंट नंबर मिला थाने इंचार्ज के PA का कुछ या समथिंग ऐसे, DCP के PA का। मैंने भाई पूरा सीन बताया उन्हें, उन्होंने वही सेम सीन बोली, मैंने सेम पूछा। कह रहे हाँ तो वो तो उन्होंने बोल दिया, हाँ तो ये तो आम से नॉमिनेशन में आएगा आपका बेसबॉल बैट। मैंने कहा सर तो मैं ऐसे भी फोड़ सकता हूँ, वो भी चुप हो गया। उसके बाद मैंने फिर वापस बोला कि यही चीज़ क्रिकेट बैट और वो बेसबॉल बैट वाली सेम चीज़ हुई, हॉकी स्टिक वाली। वो सुनते ही उसने फ़ोन काट दिया, हॉकी स्टिक वाला क्वेश्चन सुनते ही मैंने जैसे कहा इंडियन नेशनल गेम है, उसने फ़ोन काट दिया, लैंडलाइन नंबर था। मैंने वापस फ़ोन मिलाया, उसने रिसीवर रख दिया होगा अपने साइड बिजी। 10 मिनट बाद फ़ोन मिलाया बिजी, आधे घंटे बाद फ़ोन मिलाया बिजी, 40 मिनट बाद फोन मिल गया। मैंने कहा हेलो सर वो आपसे फोन कट गया होगा। मैं ये वो बोल रहा हूँ, यही सीन होता ना। कह रहे हाँ वो फोन कट गया था ये वो। फिर उसके बाद फोन उठाया ही नहीं किसी ने, मतलब रिश्वत लेकर भी इतना गंदा कि कंप्लेंट का रेजोल्यूशन नहीं हो सकता, ऐसी हालत। तो मतलब गुजरात पुलिस के साथ तो मेरे एक्सपीरियंस रहे, और बाद में हेल्पलाइन के साथ भी। तो बेसिकली अपनी सेफ्टी के लिए आप मतलब कुछ लेके चल ही नहीं सकते, या तो फिर आप डिपेंडेंट अपने जैक के टूल्स पे ही रहो। I will not comment up इस चीज पर, जो भी देख रहे हैं। तो बोल ही दिया है आपने, तो व्यूअर्स अपने आप समझदार हैं गाइस, इस चीज का ध्यान रखना। हाँ। फिर तो तुम
इससे बढ़िया तो स्ट्रेज वाले रास्ते पे जाओ ही मत वैसे, पहली बात तो। दूसरी तो गुजरात में एक तो लेकर बिल्कुल मत कैरी करना, और कुछ और भी कैरी मत करना, बस सामान रखना, और सामान में भी अगर आपका बटर नाइफ भी हुआ तो बी सेफ। तो पुलिस वाइज आपको एक यही दो तीन जो भी हमने डिस्कस किए, बाकी मेरे को कहीं पुलिस से ना किसी ने रोका ना कुछ इशू हुआ, पूरे टाइम स्पीड लिमिट में थे, सीट बेल्ट थी, हम भी कुछ कर नहीं रहे थे एक्स्ट्रा। ठीक है, जैक और जैक से याद आया कि क्या क्या टूल्स वगैरह गाड़ी में थे वैसे, और क्या क्या लेके जाने थे। 5 दिन की रोड ट्रिप हो रही है, मतलब गाड़ी कैसे प्रिपेयर करें, बेसिकली गाड़ी कैसे प्रिपेयर करें। हाँ देखो मैं बताता हूँ प्रिपरेशन के, अगर आप गाड़ी अपनी नॉर्मली 7-8 से 10 हज़ार किलोमीटर पे सर्विस करवाते रहते हो, मेंटेन्ड रहती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सुबह उठो अपनी गाड़ी ले जाओ। फिर भी मेंटेनेंस, हाँ मैं बता रहा हूँ मेंटेनेंस की बात करें तो एक दूसरी बात होती है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। तो मेरी गाड़ी में जो पड़ा रहता है, और मैं सबको रिकमेंड वो अपने बहुत वीडियोस में करता हूँ और हर जगह बोलता हूँ, मेरी बहुत ट्रिप्स पर काम आ भी रखा है, एक हो गया आपका एयर इन्फ्लेटर, ठीक है, एक हो गया पंचर किट, वो भी मैं रखता हूँ, पंचर लगाना इजी कोई भी लगा सकता है, ठीक है ठीक है। दूसरी मैं रखता हूँ जम्पर केबल्स, ठीक है, ये तीन चीजें हैं, और एक टूल बॉक्स मेरे पास पड़े रहता है, वो तो जरूरत पड़ती नहीं उसकी, टूल बॉक्स हटाई दो, बट ये तीन चीजें जो हर गाड़ी में होनी चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। मतलब ये वो चीज है, आपके एक बार में 3-4 हज़ार रुपए इन सब सामान में टोटल खर्च होंगे मैक्सिमम। बट ये अगर आप कहीं रात को, मेरी ओवरनाइट ट्रैवलिंग होती है, अगर आप रात को कहीं 2 बजे फंस गए, यहाँ जंगल वहाँ जंगल, कुछ नहीं है, टायर पंचर हो गया, कुछ हो गया, आपके चार क्या पूरे 10 हज़ार रुपए एक सेकंड में बराबर कर जाएगा। ये ऐसी चीज है, हो सकता है आपकी एक ट्रिप पर यूज ना हो तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत, तो प्रे ही करो कभी यूज ही ना हो, बट ये चीज है जैसे इट्स लाइक इंश्योरेंस, पड़ा रहना चाहिए। सही बात है, तो ये बेसिक चीज है जो रहनी चाहिए। बाकी अगर आप गाड़ी टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे हो तो और कोई एक्स्ट्रा आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। तो आजकल की गाड़ी है तो हम कितना लंबा चलाओ कोई दिक्कत नहीं होती अच्छा। आजकल की गाड़ियों में, बट ये अब एयर फिल्टर तुम साफ नहीं करवाते, सर्विस नहीं करवाते, इंजन ऑयल नहीं करवाते, ये वो तो मत करवाओ। मैंने भी बैंगलोर जाने से पहले मेरी रेगुलर सर्विस होती थी, मैंने बस बैंगलोर जाने से पहले जहाँ से मैं सर्विस करवाता हूँ उस वर्कशॉप में लेकर के एक बेसिक चेकअप करवाया हर चीज का, एवरीथिंग वाज ओके, एयर टॉप अप कराई, बस आउट टू बैंगलोर। बाकी सब सामान मेरे पास ट्रिप्स के ही पड़े रहते क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंट ट्रिप्स होती हैं, यही है सबसे बेसिक चीज। और आपने लाइटें वाइटें तो फुल लगवाई ना अपनी गाड़ी में? लाइटें मैं बता देता हूँ, देखो लाइटें हाईवे ड्राइविंग अगर अवॉइड करें, मेरी ऊपर थी OEM बलिनो की जो आती है, बस मेरे टाइम पर HID आती थी, मैंने LED वाले बलिनो के प्रोजेक्टर लगा लिए थे, तो वो OEM था टोटल, ठीक है। और नीचे भी फॉग लैम्प में लोग IPS वगैरह लगाते हैं, डायरेक्ट मतलब मेरा DIY प्रोजेक्ट था बलिनो की हेडलाइट के, एक्सीडेंटल गाड़ियों के अंदर के प्रोजेक्टर, बलिनो के रिस्पॉन्स सबने देखा है, तो मैंने वो निकाल कर जैसे तैसे उन्हें वाटर प्रूफ बनाकर उनकी वायरिंग कर हेडलाइट से निकाल कर अपने फॉग लैम्प में दोनों जगह फिक्स कर रखे थे। ये तो मेरा DIY प्रोजेक्ट था, और लो बीम पर कर रखे थे, इससे पहले लोग कमेंट करे कि सामने से मैं लोगों को अंधा कर रहा हूँ, मेरा सब कुछ लो बीम पर था। इसकी कोई वीडियो अवेलेबल हो तो? यूट्यूब पर डली हुई है। डली हुई है? हाँ जी बिल्कुल, एर्टिगा में लगाते हैं डाली है, ये तो बस 8-10 गाड़ियों में हम डाल चुके, बट यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है, तो वो पिन कर देना अनु भाई। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये भी। ठीक है, तो मेरा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, आपने कहा मोस्टली नाइट में ही ड्राइव करते हो आप या की हुई है, ठीक है, तो पहली चीज तो रात को वैसे ही थोड़ा डिजीनेस हो जाती है, दूसरी चीज रात का तो टाइम है ऑब्वियसली हाईवे पे, तो कोई भी अचानक से आए तो दिखेगा नहीं, ठीक है, तो उस केस में मतलब क्या सीन रहता है सेफ्टी वाइज, एंड किस किस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है? और ठीक है, मैं बताता हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। I always prefer night drive, जैसे मैंने GB के टाइम से अपनी नाइट ड्राइव स्टार्ट किया बैक इन 2017, तो मैं क्या करता था अपना शाम को 7 बजे निकला और सुबह 9-10 बजे तक GB पहुंच गया, ठीक है। तो नाइट ड्राइव में सबसे बड़े जो मेरे को प्लस पॉइंट लगते हैं, ट्रैफिक नहीं होता, ठीक है। दूसरी बात, आपके स्टॉप्स बहुत कम हो जाते हैं, आप दिन में स्नैक्स के लिए रुकोगे, ड्रिंक्स के लिए रुकोगे, उसके लिए रुकोगे, रात को आप बस एक बार 8-10 बजे डिनर के लिए रुको, देन सुबह तक यू कैन ड्राइव इजीली, कोई इशू नहीं है। और नींद का है वो सबकी आई थिंक पर्सनल प्रेफरेंस है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। आई एम एबल टू ड्राइव 12-14 आवर्स रात को इजीली नॉन स्टॉप, अब अभी मैंने बताया तो उसमें भी 24 आवर्स हमें हो गए थे, ठीक है, तो मेरे लिए ड्राइविंग कोई इशू नहीं है, चाहे रात हो दिन हो। तो रात का ही इसमें मतलब जो मेरे को प्लस पॉइंट लगता है, दिन में ट्रैफिक होता है, वेदर बेकार, और सबसे बड़ी जो लोकल हाईवेज या इंडियन हाईवेज की दिक्कत है कि रेस्ट्रिक्शन अवॉइड करें, आपको बाइक्स मिलेगी, फैक्ट्री पे जाते हुए लोग मिलेंगे,
लोकल्स पैदल चल रहे होते हैं हाईवे पर, बाइकों पर घूम रहे होते हैं, या एक बाइक पर चार चार लोग बुलेरो लोकल चलने लग जाती है, ग्रामीण सेवा, ये सब हाईवेज पर हो रहा होता है. तो आपकी ऑटोमेटिकली स्पीड अगर आपको 80 किलोमीटर पर आवर एवरेज आ रही है, तो आपकी ऑटोमेटिकली दिन में 60 के अराउंड हो जाती है, 50 to 60. तो वहां पर हमारा टाइम लॉस बहुत होता है, खाने में आपका टाइम लॉस होगा, हर चीज. भाई भूख लगेगी तो रुक हो गई. तो वही चीज मैं प्लस पॉइंट कह रहा हूँ ना, आप दिन में आपके 3 meals फिक्स होता है, आपकी बॉडी प्रोग्राम लाइक दैट. बट आपको ने अगर आपको एक बार डिनर कर लिया तो यू कैन गो टू 12 hours ब्रेकफास्ट तक, आई डोंट थिंक तुम्हें भूख लगेगी. वो तो हम सो जाते हैं, अगर उठे रहेंगे तो भूख नहीं लगेगी. आप 4 या 5 AM तक आपने ऑल नाइटर मारा मेरे हिसाब से. इतना आप नॉर्मली जब डिनर के बाद कुछ खाते हो? खाते हैं इतना और स्टॉप लेती है आपको 1 घंटा जाता है, आपको पता है मिनिमम है. तो आपके 3-4 घंटे तो यहाँ बच रहे हैं. तो ये मेरे को टाइम, तो इसलिए मेरे को नाइट ड्राइविंग बेस्ट लगती है, जो मैंने 3-4 पॉइंट बताया. और सेफ्टी, सेफ्टी में आपको बता देता हूँ. देखो सबसे बड़ी बात, जो आपने कहा कोई एकदम से आगे आ जाए, कुछ हो जाए, रात को मोस्टली लोग सो रहे होते हैं, जानवर भी सो रहे होते हैं, नथिंग न्यू, कोई आ सकता है, दिन में ज्यादा चांसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है. दूसरी बात, दिन में बाइक्स होती हैं, कार्स होती है, सब होती है, ट्रक्स नहीं होते. रात को प्लस पॉइंट, ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मेरे को ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, नो एंट्री खुल जाती है, तो ट्रक्स ही ट्रक्स होते हैं, गाड़ी और वो कम होती है. तो इट इज लाइक अगर आप फाटक है पालम वाला, यू नो, आप पार करते हो, अगर आप बाइकों के बीच में अकेली गाड़ी पार कर रहे हो, ज्यादा मुश्किल है. और अगर आप 8-10 गाड़ियां या और बेटर इमेजिन करो, ट्रक्स के बीच में अकेली गाड़ी है, ज्यादा इजीली निकलेगी. ज्यादा इजीली निकलेगी, पर ट्रक्स वाले थोड़े ज्यादा खतरनाक भी तो है. ट्रक्स मोस्टली क्या करते हैं, ट्रक्स के साथ मेरे को बस एक प्रॉब्लम है, लेफ्ट की जगह राइट लेन में चलाते हैं, बहुत बार पूरा हाईवे ब्लॉक कर देते हैं. बट कंपैरेटिवली हाईवे बहुत ज्यादा खाली रहता है रात को, बस ट्रक्स होते हैं, इजीली यू कैन ओवरटेक, बहुत डिस्टेंस बनाकर चलते हैं, सब कुछ होता है. गाड़ियां देर रात दिन में, रात को 10 गाड़ियां और 100 ट्रक हैं, दिन में वही 1000 गाड़ियां हो जाती हैं. तो वही वहीं पे ट्रैफिक रहते हैं, रेड लाइट्स वगैरह सब कुछ होता है. ठीक है, हाँ जी, हाँ भाई, सेफ्टी पे आप बोल रहे थे, तो ये चीज है आई प्रेफर. अच्छा ठीक है, और इसी से एक क्वेश्चन और है मेरा, कंफर्ट का. गाड़ी से 5 दिन, ठीक है, बैक पेन मतलब लोगों को 4-5 घंटे में ही होने लगता है, पहली चीज. दूसरी चीज, आजकल आपकी तो गे मैनुअल थी गाड़ी, ठीक है, तो क्लच 5 दिन कितने किलोमीटर्स, 2700 किलोमीटर में सिटी से भी बहुत बार निकली होगी, तो क्लच की दिक्कत. तो ये सारा मतलब कैसा रहा कंफर्ट, या वो गाड़ी पे डिपेंड करता है? वैसे तो आई डोंट थिंक गाड़ी पे डिपेंड करेगा, बट भाई बैक का सीन और ये सब. गाड़ी पर डिपेंड्स, पहली बात जो आपने कहा. अच्छा, दूसरी बात उसकी सीट पर डिपेंड्स, तीसरी बात बंदे पर डिपेंड्स, ठीक है. मेरा, मेरी गाड़ी में कंफर्ट है, मैं 24 घंटे चला लेता हूँ, मेरे को बैक का इशू आज तक टच वुड है नहीं, बट फेस नहीं हुआ. तो मेरे को अब उम्र का भी फर्क हो सकता है, तुम ये बात करो. अब आई नो पीपल, आई एम पार्ट ऑफ मेनी रोड ट्रिप कम्युनिटीज, मेनी कार कम्युनिटीज, मेनी ऑडियो कम्युनिटीज. तो आई नो पीपल, HKV है, मतलब 50-50, 60-60. अभी भी मेरे पास पिछली बैंगलोर वाली वीडियो पर एक ही 45 or 50 अराउंड, उन्होंने मेरे को करा थैंक यू, आई एम ऑल्सो प्लानिंग, कैन बी कनेक्ट इन DM. तो लोग अभी भी कनेक्ट कर रहे हैं. और उसी वीडियो पर एक कमेंट था फेसबुक पर कि वेरी गुड, आई ऑल्सो डिड रिसेंटली, उनकी मैंने कुछ इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट फोटो से ही वॉज लुकिंग 40+ इजिली. हिज कमेंट वॉज, आई रिसेंटली डिड बैंगलोर टू जम्मू एंड बैक टू बैंगलोर, होप यू हैड द सेम एंड सेफ ट्रिप. तो लोग कर रहे हैं, उसमें पर्सनल प्रेफरेंस है. पास अब अगर आप सिर्फ बैंगलोर हटा दो, लद्दाख जा रहे हैं लोग, 10-10, 12-12 दिन लगते हैं. कम से कम, हाँ तो यहाँ तो रोड्स तो हैं कम से कम लद्दाख में, रोड मतलब वो तो इस पे भी डिपेंड करता है ना कि आप कितने स्टॉप्स ले रहे हो. अब 10-12 दिन में मैं ले भी, अगर मैंने 5 दिन में 5 स्टॉप लिए, दिन के 12 घंटे एवरेज एनीवन कैन ड्राइव. अगर आप स्टॉप के बैक की आते हैं बात करो, तो मैंने तो 24 एक स्टॉप में बैंगलोर टू दिल्ली कर दिया था, उसमें आप ये बात कर सकते हो. बट उसमें भी हमें इश्यू नहीं हुआ था, हम 3 लोग थे, 2 वर ड्राइवर, 1 ड्राइव नहीं कर रहा था. तो उसमें भी हम कंबल था, बारी बारी 3 लोग थे, बैक सीट पर कोई सोए जा रहा है, ये करे जा रहे हैं, 2-2 घंटे की बारी लगे जा रही है, तो हो गया था, कोई इशू नहीं था, चल जाता. तो ओवरऑल इट वाज गुड. टू समराइज, सबसे मेन पॉइंट है, मैप्स मत फॉलो करना गो गुजरात वाले रूट से, मैप्स गलती से मत फॉलो करना. रूट आपका हमेशा ये पड़ेगा, दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, रनकपुर, रतनपुर, गुजरात से वही
अपना सूरत, दमन, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर एंड बैंगलोर, यही रूट पड़ेगा, यही रूट लेना अगर बैंगलोर तक किसी को जाना है। और गोवा तक जाना है, मैंने जो दिल्ली टू गोवा करा था उसका भी आपको आ जाएगा, बट वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उदयपुर वगैरह तक रूट सेम है, देन कोल्हापुर से थोड़ी पहले एक कट कट जाता है गोवा का, वहां से आप गोवा पहुंच जाओगे तब भी गुजरात वाले रूट ही लेना। अच्छा, टोटल फ्यूल एक्सपेंसेस मैंने आपको बता दिया, 2700 प्लस किलोमीटर थे, अराउंड 15,000 का फ्यूल लगा, 4,000 टोल्स के, और 35,000 अराउंड टोटल खर्चा खाना पीना सब मिलाकर। एंड बाकी आई डोंट थिंक अब कोई डाउट रहना चाहिए किसी के मन में, तुम्हारे मन में नहीं, मेरे को तो काफी क्लैरिटी मिल गई है। तो अभी तो मैं जाके सबसे पहला स्टेप तो कार प्रिपरेशन का ही है जो मैंने पूछा, तो वो करता हूँ। टूल्स, इन्फ्लेटर और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है? तो मैं तेरे को तो व्हाट्सएप ही कर देता हूँ, ठीक है? मंगा ले, दो दिन में प्राइम से आ जाएगा। हैप्पी जर्नी। अरे थैंक यू आगम भाई फॉर योर टाइम, और बाकी आप कम्युनिटीज के पार्ट हैं, तो जिस जिसको भी कम्युनिटीज में पार्ट लेना है और जो जो ऐसे रोड ट्रिप्स करना चाहता है और कॉन्टैक्ट नहीं हो तो इंस्टा पर यू कैन ऑलवेज सिंग कॉन्टैक्ट एज ब्लॉग्स भाई, बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना, ठीक है? चलो थैंक यू बाय बाय। वहाँ पे पूरी डिश बनती वहाँ पे